हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं वीडियो में शेयर करने वाली हूँ स्टाइल अप का मेरा कलेक्शन जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है। मुझे नहीं पता था यहाँ पे बैंगलोर में स्टाइल अप भी। हमने सोचा जूडियो वगैरह से शॉपिंग करेंगे क्योंकि मैं शॉपिंग कर रही हूँ थाईलैंड जाने की। और मैंने कुछ ऑनलाइन परचेज भी किया है फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, अमेजोन से, बट शोरूम में जाने का अलग ही फायदा होता है। एक बार जाओ और लेके टाइम वेस्ट नहीं होता, मतलब फटाफट से लेके आ जाओ। तो मैं शो करती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। वायु का लेके आई हूँ, अपना लेके आई हूँ और कुछ हस्बैंड के कलेक्शन लेके आई हूँ, वो भी शो करूंगी। तो कबर्ड मेरा ऐसे कबाड़ की तरह पड़ा हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी सेट करने का। और ये सब मैं लेके आई हूँ, इनको मैं शो करती हूँ। तो ये टी शर्ट है हस्बैंड की, स्टाइल अप की है, और ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो ये चारों जो है हस्बैंड का है और मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी। इसके बाद ये मैंने लिया है सुपर क्यूट, ये वायु का है बट ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, ये वहाँ से नहीं लिया है। तो मैंने हर जगह से, अलग अलग जगह से शॉपिंग की है और अभी भी मेरी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी शॉपिंग चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है क्योंकि एक मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा ये ड्रेस, इसके साथ है निक्कर, तो बहुत क्यूट है ये और इसका फैब्रिक भी कॉटन का है, बहुत प्यारा, मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा इसका। तो ये मैंने स्टाइल अप से लिया हुआ है, जूडियो की तरह ही है और प्राइस भी जूडियो की तरह ही है इसका। और एक मैंने ये ड्रेस लिया है, ये मैंने लिया है मिंत्रा से क्योंकि वहाँ गर्म होगा, तो उस हिसाब से मैंने एक ड्रेस ऐसी भी ली है। और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा बच्चों में, क्यूट सा निक्कर और ये हाफ। ये मैंने ट्राई कर दिया वायु को और कितना स्मार्ट लग रहा है इसमें। हाँ हाय बोलो, हाय। दूसरा भी पहनाओगे? हाँ चलें, कहाँ चलें, अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। ये सोच रहा है मैं इसको, मैंने इसको कपड़े पहना दिए तो ये कहीं जा रहा है। ये है वायु की नेक्स्ट ड्रेस और समर में सुपर क्यूट ड्रेस लगने वाली है ये। और आज वायु मूड में है कि पहना लो भाई जो पहना सकते हो, तो मैं देख रही हूँ कितने में इसको पहना सकती हूँ। हाँ चलो थर्ड वाली पहनेंगे, ये पहनेंगे, ये इसको पहन लो, इसको पहन लो, इसको पहनाओ। ये है वायु की नेक्स्ट ड्रेस और समर वेकेशन के लिए ये परफेक्ट है। मैंने ये लिया था मिंत्रा से, अभी मैं वीडियो में बता देती हूँ कौन सा आइटम मैंने कहाँ से लिया है। ये भी 1 to 2 ईयर है और समर के लिए काफ़ी अच्छा है। ये ड्रेस है जो वायु के इसके मामा ने दिया था, H&M से हम लेके आए थे। इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं तो फिर ये भी ऐड हो जाएगा वायु की पैकिंग लिस्ट में। पहना दूँ वायु, पहना दूँ? हाँ ओके। तो ये वाली ड्रेस तो वायु की बिल्कुल नोनो हो गई है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हो रही है अभी इसको, और ये काफ़ी छोटा लग रहा है इसमें, मतलब ये लूज है। और H&M के कपड़े ना एज वाइज तो लेने नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ये लिया था 1 to 2 ईयर, बट ये उस हिसाब से काफ़ी बड़ा। तो वायु की ये वाली ड्रेस रिजेक्ट हो गई है और एक या दो ही फिट्स में से मैंने फाइनल की है। अब मैं देखूंगी कुछ पुराने कपड़े ले जाऊंगी जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है कवर्ड में, या फिर मैं अभी और इसके लिए मंगाऊंगी क्योंकि ये दो कपड़े जो हैं मुझे लगा ये मैं वहाँ लेके जाऊंगी, बट ये काफ़ी बड़े लग रहे हैं इसके साइज़ के अकॉर्डिंग। अब मैं दिखा देती हूँ अपना मैं क्या लेके आई हूँ। तो मखाने देखे वायु को मैंने बैठाया हुआ है और मेरी फर्स्ट ड्रेस है, ड्रेस वेरी की है, मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी। मैं सोच रही हूँ जब मैं वीडियो बनाई रही हूँ तो सारे जो भी मेरे पास अभी दिख रहे हैं इसके साथ रखे हुए स्टाइल अप के साथ वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये नी साइज की ड्रेस है, साइड में मैं दिखा भी दूंगी कैसा इसका लुक आ रहा है। ये वन पीस ड्रेस है और समर के लिए काफ़ी अच्छा मुझे लगा और वाइट कलर बेस्ट होता है समर में। इसके बाद मैंने लिया हुआ एक कॉट सेट अमेजोन से, इसकी इमेज भी मैं ऊपर लगा दूंगी। और ये मुझे मतलब इतना अच्छा लुक दे रहा है, अगेन इसका जो ये कलर है समर के लिए परफेक्ट कलर मुझे लगा ये। और इसमें इसका टॉप है ये, और ये टॉप ऐसा लग रहा है कि इसका डीप नेक होगा नहीं, बट इसमें सबसे बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे इसका दिया हुआ है ये हुक, मतलब ये चिट बटन दिया हुआ है, और चिट बटन लगाने के बाद ये पूरा नेक जो है कवर हो जा रहा है। तो ये हो गई मेरी सेकेंड ड्रेस। इसके बाद मैंने स्टाइल अप से मैंने ये लिया हुआ था कॉट सेट, ये ट्रैवल पर्पस के लिए लिया हुआ था। ये है इसका टॉप और इसका बॉटम,
मतलब ऐसे ऐसे कॉट सेट का सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। एक तो कॉटन है और अराउंड 1000 में मुझे मिल गया था ये। इसके बाद है ये अगेन मैंने स्टाइलअप से लिया है और समर के अकॉर्डिंग मैंने सारे कपड़े लिए हुए हैं। ये इसका टॉप है, ये भी एक कॉट सेट है, ये इसका टॉप है और ये स्लीवलेस है। ये मुझे पड़ा था, इसका टॉप है 500 का, बॉटम भी सेम क्लॉथ का ही है कॉट सेट। और यहाँ पे ये बेल्ट लुक है, आगे से बेल्ट लुक है और पीछे से इसमें इलास्टिक है। और ये मुझे मिला था 500 में इसका बॉटम। फोर्थ फोर्थ ड्रेस हो गई, आई थिंक मैंने ये कपड़े सबसे ज़्यादा लिए हुए हैं। और उसके बाद मैंने एक नाइट ड्रेस मंगाई थी और ये मुझे अच्छे प्राइस में मिल गई थी 500 में। इस लुक में मुझे शर्ट लुक में चाहिए था, तो फिर मुझे 500 to 600 में आई थिंक मुझे मिल गया था फ्लिपकार्ट में, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया। इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्योर कॉटन है, इसलिए मुझे ये पसंद आया। इस पे फ्रंट में ये पॉकेट है जो इसका ओवरऑल लुक देता है। इसके बाद मैंने समर के अकॉर्डिंग एक टॉप ऑर्डर किया था अंडर 300, और मैंने ये फ्लिपकार्ट से और मिंत्रा से दोनों जगह से ऑर्डर किया था, बट फ्लिपकार्ट वाला मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि ये मुझे मिंत्रा का अच्छा लगा। मैंने आजियो से जो पैंट ली थी उसके साथ मैं इसको पेयर अप करने वाली हूँ। इसकी इलास्टिसिटी और काफ़ी कंफर्टेबल है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इस ड्रेस को लेके जाने वाली हूँ कि नहीं लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतने कपड़े हो चुके हैं जो बिल्कुल नए हैं और बाकी मैं डिसाइड करूँगी। अभी लास्ट में फटाफट से मैं मेंस वेयर दिखा देती हूँ, स्टाइलअप में कैसे कलेक्शन आए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छे कलेक्शन लगे और लगभग ये जूडियो की तरह ही सेम क्लोथ का है। तो हस्बैंड के सारे जो भी ये 4 मैंने यहाँ पे पेयर रखे हुए हैं, क्योंकि उस दिन से शॉपिंग की थी मैंने और लाके एक जगह पे रख दिया था, वहीं पे मैंने मिंत्रा और अमेजोन से जो भी ऑर्डर किया उसके साथ रख दिया, इसलिए ये जब भी मैंने उठाया तो सब एक साथ आ गया। ये काफ़ी अच्छा मुझे कलर और ये लगा, इसका टी शर्ट है, इसके साथ नी साइज निक्कर या फिर जीन्स में भी और ऑफिस वेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये, और उससे भी अच्छा मुझे ये लगा। मतलब बहुत अच्छे कलेक्शन स्टाइलअप में आए। और फिर ये तो बिल्कुल गोवा थाईलैंड वाला फील और लुक दे रहा है, इसमें शॉर्ट्स पहन के काफ़ी अच्छा आएगा। और एक ये नॉर्मल हमने टी शर्ट ली है जो ऑफिस में भी वेयर कर सकते हैं, और वहाँ भी अभी डिसाइड करेंगे हम लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी मैं पूरा पैकिंग क्या क्या लेके जा रही हूँ वहाँ पे, वायु का और अपना जो भी एसेंशियल हमें ट्रिप के लिए चाहिए होगा या फिर वहाँ पर हमें जो भी कुछ चाहिए होगा वो मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ। मैं इन कपड़ों को फाइनल करने के बाद वो वीडियो बनाऊँगी मैं क्या लेके जाने वाली हूँ वायु का और हमारा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया था स्टाइलअप के कलेक्शन दिखाने के लिए कि किस टाइप के कलेक्शन वहाँ पे आते हैं। तो ये था, और मोस्टली ये जूडियो की तरह ही है इसकी क्वालिटी भी, और क्वालिटी अभी हमें चेक करनी है क्योंकि एक दो बार हमने पहन के ट्राई करेंगे उसके बाद चेक करेंगे जूडियो से बेटर है कि नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी मेरी पूरी पैकिंग लिस्ट और मैंने क्या क्या पैक किया है, क्या क्या बनाया है वायु के लिए, मैं क्या लेके जाने वाली हूँ ट्रैवल के लिए। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।